हे गाइस वेलकम बैक टू सिंजर टेक। ये वीडियो होगा एक नए स्मार्टफोन के बारे में जो है हुआवे की तरफ से, हुआवे पी सीरीज का नया स्मार्टफोन जो लॉन्च होने वाला है 2020 के जनवरी मंथ में, जो है हुआवे P40 Lite। अब हुआवे P40 Lite हुआवे नोवा 6SE का रीब्रांडेड ग्लोबल वर्जन है। तो हुआवे नोवा 6SE जो चाइना में लॉन्च हो चुका है, जिसका ग्लोबली जो नेम है वो है हुआवे P40 Lite। अब इसकी जो प्राइसिंग है, ये एक मिड बजट स्मार्टफोन होगा और काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ आ रहा है और काफ़ी सारे मिड बजट स्मार्टफोन को टक्कर देगा ये स्मार्टफोन। तो अगर आप एक नए फ़ोन खरीदने के विचार में हो तो ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा, क्योंकि Huawei P40 Lite आपके लिए एक अच्छा बेहतर फ़ोन साबित हो सकता है। तो बिना कुछ देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर सबसे पहले डिज़ाइन की बात करूँ तो Huawei P40 Lite का जो डिज़ाइन है वो iPhone 11 के जैसा हमें दिख रहा है। जैसे कि हमने देखा था iPhone में कि बैक में हमें ट्रिपल कैमरा देखने मिला था स्क्वायर साइज में, तो सेम हमें Huawei Nova 6SE के ग्लोबल वर्जन Huawei P40 Lite में देखने मिल रहा है, फोर कैमरा के साथ आएगा। बात की जा रही है iPhone 12 इस बार फोर कैमरा के साथ आने वाला है, तो आपको पहले ही एक नया iPhone जैसा दिखने जैसा फ़ोन Huawei P40 Lite में मिल जाएगा। तो Huawei P40 Lite के डिस्प्ले की बात करूँ तो Huawei P40 Lite का जो डिस्प्ले है वो होगा 6.4 इंच का IPS LCD और AMOLED डिस्प्ले। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन से डिस्प्ले के साथ आ रहा है, बट ये है कि 60 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ आएगा। हमें कोई स्पेशल डिस्प्ले देखने नहीं मिलने वाला Huawei P40 Lite में। नेक्स्ट बात करूंगा मैं, हमें बैक और रेयर में कोयला ग्लास 5 का सपोर्ट देखने मिलने वाला है, जो काफ़ी अच्छी बात है एक मिड बजट स्मार्टफोन के लिए। नेक्स्ट बात करूंगा मैं Huawei P40 Lite के कैमरा के बारे में। तो मैंने जैसे बताया Huawei P40 Lite में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने मिलेगा, ठीक आईफोन में जैसा हमें देखने मिला था, जो होंगे 48+8+2+2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग कैमरास। अगर लेंस की बात करूँ तो सोनी का लेटेस्ट लेंस हमें देखने मिलने वाला है, और Huawei P सीरीज़ में जो Huawei P30 Pro में जो हमें Huawei P30 Pro एक ऐसा स्मार्टफोन था जो फोटोग्राफी के ऊपर बेस्ड था। तो अगर Huawei P40 सीरीज़ की बात करो तो Huawei अपनी हर P सीरीज़ के स्मार्टफोन में फ्लैगशिप लेवल का सोनी सेंसर यूज़ कर रहा है, जो हमें Huawei P40 Lite में भी देखने मिला है। तो जो ये फ़ोन का जो कैमरा है ये बाकी फ्लैगशिप फ़ोन को टक्कर देने वाला है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप एक नया स्मार्टफोन लेने के ध्यान में हो तो Huawei P40 Lite आपके लिए बेहतर, अगर आपको कैमरा स्मार्टफोन चाहिए तो Huawei P40 Lite आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा फ़ोन के चिपसेट के बारे में। तो चिपसेट है Kirin 810, Huawei P40 Lite आएगा Kirin 810 के सपोर्ट के साथ। अगर Kirin 810 की बात करें तो ये ठीक स्नैपड्रैगन 730G के जैसा ही है, 2.2 GHz की स्पीड पे क्लॉक करता है, जो काफ़ी ठीक है एक मिड बजट स्मार्टफोन के लिए। ये 4G के साथ आएगा, हमें 5G देखने नहीं मिलेगा Huawei P40 Lite में, पर इंडिया में अभी वैसे भी 5G अवेलेबल है नहीं, तो एक अच्छा फ़ोन साबित हो सकता है बात करूँ इंडियन कंज्यूमर्स के लिए। नेक्स्ट मैं बात करूँगा Huawei P40 Lite के वेरिएंट्स की, तो हमें 8GB और 128GB के स्टोरेज तक ये इसमें Huawei P40 Lite में वेरिएंट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करूँगा बैटरी की, तो हमें 4200mAh की बैटरी देखने मिलेगी। चार्जिंग की बात करूँ 40W का एक फास्ट चार्जर देखने मिलेगा हमें Huawei P40 Lite में, जो एक अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करूँगा हम Huawei P40 Lite के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ColorOS 7 के सपोर्ट के साथ हमें देखने मिलेगा Huawei P40 Lite। अब तक मैंने जितने भी फीचर्स बताए काफ़ी अच्छे हैं, ये फ़ोन टक्कर देगा Xiaomi के Redmi K30, Redmi Note 8 Pro और Vivo V17 और काफ़ी सारे मिड बजट स्मार्टफोन। तो जल्दी मैं इन सब का कंपैरिजन वीडियो लाऊंगा मेरे चैनल पे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बता देना कमेंट में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मैं बनाते रहता हूँ ऐसे टेक्नोलॉजी वीडियोस हर रोज़। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस रोज़ देखने हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।